बनाने जा रहे हैं अरवी के कोफ्ते। ऐसे तो अरवी की बहुत सारी डिशेस बनती हैं, अरवी की सब्ज़ी भी बनती है, अरवी के कबाब भी बनते हैं, लेकिन आज मैं आपको अरवी के कोफ्ते बनाना सिखाऊंगी, जो कि बिल्कुल नए स्टाइल में होगा और मैं समझती हूँ आप इसको बना करके पछताएंगे नहीं बल्कि मुझे दुआओं में याद रखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इस कोफ्ते को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो मैंने लिया है 250 ग्राम अरवी, इसको मैंने बॉईल कर लिया है, बॉईल करने के बाद छील लिया है, छीलने के बाद मैश कर लिया। मैंने दो बॉयल्ड पोटैटो भी लिए हैं, जिसको इसको भी मैंने पहले बॉईल किया, बॉईल करने के बाद छील लिया, छीलने के बाद मैश कर लिया। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि हमारा और आपका दोनों का टाइम बचे। इन कोफ्तों को बनाने के लिए जो चीज़ें इसके अंदर जाएंगी उसमें है, मैंने दो बड़े चम्मच टेबल स्पून बेसन का लिया है, जिसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसके अलावा ये तीन तरह के खड़े गरम मसाले हैं, जिसमें एक मोटी वाली इलायची है, आधा चम्मच सौंफ है, आधा चम्मच ज़ीरा है और एक चौथाई चम्मच जो है अजवाइन है। इन चारों को मैंने ड्राई रोस्ट किया है और ये रख लिया है, इसको अब हम दरदरा सा पीस लेंगे। इसके अलावा हमने लिया है 2 इंच की अदरक, जिसको बारीक काट लिया है, 4-5 लहसुन की जवें लिए हैं, इसको भी बारीक काट लिया है, और आधा प्याज लिया है मैंने, मतलब एक बड़ा सा प्याज था उसका मैंने आधा लिया, अगर आप छोटा प्याज है तो एक ले लें और ऑमलेट स्टाइल में काट लें। अच्छा, इसकी ग्रेवी में भी नमक जाएगा इसलिए मैंने यहाँ पर आधा चम्मच नमक लिया है, आधा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, 2 चिटकी हींग ली है और 3-4 हरी वाली मिर्च को बारीक बारीक काट लिया। तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कोफ्ते का डो तैयार करने के लिए एक पैन लेंगे और गैस चूल्हे को ऑन कर लेंगे और इसमें डालेंगे 1 चम्मच टेबल स्पून तेल। जब हमारा तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे हींग, अदरक, लहसुन, थोड़ा सा इसको चला लेंगे। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपनी बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्च, इसको भी बहुत हल्का सा ही हमें सेंकना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, फ्लेम को मीडियम ही रखें नहीं तो एकदम से ये प्याज जल जाएगी। देखिए बस हल्का सा जैसे ही कलर बदले तो इसके अंदर आप डाल दें अपना गरम मसाला और वो जो नमक आपने लिया था आधा चम्मच उसे। अब इसमें हम वो जो चार तरह के हमको मैंने ड्राई रोस्ट किया था, जिसमें सौंफ था, ज़ीरा था, मोटी वाली इलायची थी और अजवाइन थी, इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया, बहुत बारीक नहीं पीसना, इसको भी इसके अंदर मिला देंगे। बहुत अच्छी सी महक आ रही है। अब क्या करना है हमें, अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम अपने आलूओं को, जो हमने आलू बॉईल करे थे उसको इसमें मिला देंगे, मिलाएंगे, फ्लेम को मीडियम ही रखें, जब ये आलू के साथ अच्छे से मिल गया तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, डालेंगे अपनी अरवी को, जिसको कि मैंने मैश करके रखा हुआ है, ये बहुत चिपचिपी होती है। अब साथ में वो जो हमने बेसन को वो करके रखा था ना ड्राई रोस्ट, वो डाल देंगे इसके अंदर,
इसको भी खूब अच्छी तरह से इसके साथ मिलाएंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखें। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें एक मिक्स हो चुकी। अब इसको 2-3 मिनट तक इसी तरह हमें सेकना होगा इन चीज़ों को, जब तक कि हमारा फ्राई पैन जो है इस अरवी और तमाम चीज़ों को ना छोड़ दे। हमें इसी तरह से करना होगा, फिर पलट देंगे। ये देखिए हमारे फ्राई पैन ने तमाम चीज़ों को छोड़ दिया है और अब ये बिल्कुल तैयार है, मतलब ये कि ये खूब अच्छी तरह से भुन चुका है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और अपने कोफ्तों को ठंडा होने तक ऐसे ही छोड़ देंगे। अपनी अरवी का जो हमने डो तैयार किया था वो ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर ये करेंगे कि 1.5 चम्मच लेमन जूस इसके अंदर डालेंगे। इसके अलावा इसके अंदर 1/2 चम्मच जो है हमने चाट मसाला लिया है और 1/2 चम्मच काला वाला नमक लिया है, वो इसके अंदर डाल देंगे। अब इसे मिक्स करेंगे फिर से। अब हम ये करेंगे अपने कोफ्तों को शेप देने के लिए, इक्वल पोर्शन में जितना बड़ा आपको कोफ्ता चाहिए होगा तो उतना हिस्सा हम डिवाइड कर लेंगे। तो उसके लिए क्योंकि ये चिपचिपा सा होता है तो ये चिपकेगा हाथ पे, तो इसलिए पहले कुकिंग ऑयल को अपने हाथ पे लगा लें और उसके पीके डो को बराबर बराबर बांट लिया है। अब हमें ये करना होगा कि अपने हाथ में हथेलियों पे तेल लगाना होगा और इनको एक एक उठाएंगे और इसको बॉल का शेप देते हुए हम अपने कोफ्ते तैयार करेंगे। ये देखिए इसी तरह से आप अपने तमाम कोफ्तों को तैयार कर लें। ये लीजिए हमारे प्योर वेज अरवी के कोफ्ते बनकर तैयार हो गए। तो चलिए अब हम इनको डीप फ्राई करके अपने कोफ्तों को आगे बढ़ाते हैं। अपने कोफ्तों को फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल दिया है। जब तक ये गर्म हो रहा है तो मैं आपको बताती हूँ कि अपने कोफ्तों के साथ हमें और क्या करना होगा। अपने कोफ्तों को फ्राई करने से पहले हम ये करेंगे कि ये देखिए हमने ये लिया है 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, इसका घोल बना लिया है, और ये ली है हमने ब्रेड क्रम, ये ब्रेड क्रम ली है, और ये हमारे हैं कोफ्ते। तो इसको हम ये करेंगे कि अपना एक एक कोफ्ता उठाएंगे और ब्रेड क्रम के अंदर इस तरह से खूब अच्छी तरह से कोट कर देंगे, फिर जो हमने ये घोल बनाया है इसका उसमें से डालेंगे। ये देखो ठीक है, बस अब ये हो गया। अब इसके बाद हम इसको अपनी कढ़ाई में जो कि हमने पहले से रख रखी थी, बहुत ज़्यादा तेल गरम ना हो, मीडियम कर लें, नहीं तो एकदम से वो जल जाएगा ऊपर का हिस्सा और अंदर वो फिर वैसे ही का वैसे ही रह जाएगा। तो अब आपने देख तो लिया ही है कि करना क्या है, किस तरह से करना है। तो बस एक एक अपना कोफ्ता उठाएंगे और इसके अंदर डाल देंगे। इसी तरह हम अपने तमाम कोफ्तों को डीप फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखें ताकि ये खूब अच्छी तरह से अंदर तक सिक जाए।
इसी तरह और जो बाकी हमारे कोफ्ते हैं उनको भी पहले हम डस्ट करेंगे ब्रेड क्रम में, और खूब अच्छी तरह जब वो कोट हो जाएगा ब्रेड क्रम कोफ्तों के ऊपर, तो उसे फिर कॉर्नफ्लावर में डिप करेंगे, और डिप करने के बाद फिर कढ़ाई में डाल देंगे। देखिए हमारे कोफ्ते बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं, और जब इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन सा हो जाए तब हमें इसे बाहर निकाल लेना है। ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए, इतना ही हमें करना है, बस अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं और जो बाकी के हैं उनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमारे ये भी फ्राई हो चुके, अब हम इनको भी बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे कोफ्ते जो हैं फ्राई हो चुके हैं। चलिए अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। चलिए तो अपने कोफ्तों की ग्रेवी तैयार करने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी उसे हम देख लेते हैं। ये मैंने 2 टमाटर लिए थे और 3-4 हरी मिर्च ली थी, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया था, और इनको मैंने बारीक पीस लिया। ये मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली, उसको भी बारीक पीस लिया, और कुछ पाउडर्ड मसालों में मैंने लिया है 1/2 चम्मच देगी मिर्च, 1/4 चम्मच ये लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच नमक लिया है मैंने, 1/2 चम्मच मैंने कोफ्ते में डाला था, 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, और कुछ खड़े गरम मसाले हैं जिसमें कि 1 मोटी वाली इलायची है, 2 लौंग है, 3-4 काली मिर्च है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, और ये छोटे छोटे 2 पत्ते हैं तेज़पात के, और ये अजवाइन है 1/4 चम्मच, और 1/2 चम्मच जीरा है, और ये 1/2 चम्मच हल्दी है। तो चलिए फिर हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने अपनी कढ़ाई जो है गैस ऑन करके रख दी है, और उसमें 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है। तेल आपके ऊपर है, आपको जितना डालना हो डाल लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, जब आपका तेल गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं मतलब नॉर्मल सा हो जाएगा, तब उसके अंदर आप डालेंगे सबसे पहले अपने खड़े गर्म मसाले, साथ में ज़ीरा और ये अजवाइन, और तेज पत्ता। जब ये थोड़ा सा पक जाएगा, हमारे खड़े गरम मसाले थोड़े से कड़क जाएंगे, तो हम इसके अंदर क्या डालेंगे, जो हमने प्याज पीस के, और इसको लाइट ब्राउन होने तक हम इसी तरह फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ी सी गोल्डन सी हो जाए, ट्रांसपेरेंट सी, देखिए बस इतना ही करना है। अब हम इसके अंदर अपने जो पाउडर्ड मसाले हैं उसको डाल देंगे, हल्दी, देगी मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, और गर्म मसाला और नमक डाल के थोड़ा सा प्याज के साथ अपने मसालों को पकाएंगे। एक 2 मिनट तक इसी तरह से अपने मसालों को हल्का सा पानी डालकर भून लेंगे। लगभग 1 बड़ा चम्मच मैंने पानी डाल दिया, ताकि हमारे मसाले जो हैं जले नहीं और खूब अच्छी तरह से पक जाए। बस अब हम इस वक्त इसके अंदर अपना जो टमाटर का पेस्ट हमने तैयार किया था, जिसमें हरी मिर्च, अदरक और
टमाटर डाल करके तैयार किया था, इसको इसमें डाल देंगे। इसी तरह चलाते हुए हम इसको खूब अच्छी तरह से भूनेंगे, और जब ये तेल छोड़ देगा तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और अपने कोफ्तों को इसमें अंदर डाल के ढककर पकाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर 5 मिनट के बाद। देखिए हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया और चारों तरफ तेल नज़र आ रहा है। तो अब इस वक्त हम टेस्ट करके देख लेंगे कि इसके अंदर नमक या मिर्च, जो भी चीज़ आपको कुछ कम ज़्यादा लगे तो इसे ठीक कर लेंगे। अब वक्त आ जाता है कि हम इसके अंदर पानी डालें। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितनी ग्रेवी रखेंगे। अगर आप ज़्यादा पतला पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा पानी डाल लें। मैं 2 बड़े चम्मच पानी इसके अंदर डालूंगी। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो हमने अपने कोफ्ते फ्राई किए थे उसको एक एक करके छोड़ देंगे। ये देखिए कितना लजीज लग रहा है। इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी ग्रेवी ऐसे करके डाल देंगे। ठीक है, अब इसको कवर करके फ्लेम को लो टू मीडियम कर लें और कवर करके 5 मिनट तक ऐसे ही रहने दें। 5 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे कोफ्तों के क्या हाल है। लीजिए, हमारे बेहतरीन और लजीज मुगलई स्टाइल अरबी कोफ्ते बनकर तैयार हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ फिर एक अनोखी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। इजाज़त दें।